दोस्तों, अक्सर आपने अपने बच्चों के हाथों में 5 रुपए के इन चमचमाते सिक्कों को तो देखा ही होगा, पर क्या कभी आपने इन 5 रुपए के चमचमाते हुए सिक्के को फैक्ट्रियों में बनते हुए देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि 5 रुपए के चमचमाते सिक्के फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। पर आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि फैक्ट्रियों के अंदर माचिस, बॉल और यहाँ तक कि कंचे कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, कॉइन मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। सिक्कों को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के बरूदे यानी लोहे के चूरे को भट्टियों में डालकर पिघलाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के हो जाने के बाद पिघले हुए लोहे से मोटी मोटी लोहे की प्लेटें तैयार की जाती हैं। लेकिन अभी इन लोहे की मोटी पट्टियों से सिक्के नहीं बनाए जा सकते। पहले इन मोटी लोहे की पट्टियों को कंप्रेस मशीन में डालकर कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस की प्रक्रिया के द्वारा इन लोहे की पट्टियों को पतला किया जाता है, जिसके बाद ये सिक्के बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। और अब आगे इन पट्टियों में से गोलाकार के सिक्के काट लिए जाते हैं। इन सभी सिक्कों को काटने के बाद इन्हें आगे एक और मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन हर सिक्के पर उसका नाम, लोगो, डिटेल तीनों चीजें प्रिंट कर देती है। और इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये चमचमाते हुए सिक्के तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हमारी बचपन की यादें यानी कि कंचे फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। क्या आपने भी बचपन में कल्ली जोट खेला है? तो नीचे हमें कॉमेंट करें। नंबर 2, मार्बल्स मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीद कर उसका चूरा बना लेती है और इस कांच के चूरे को आग की भट्टियों में डालकर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे कि यह कांच का चूरा पिघलकर एक लिक्विड के रूप में बदल जाता है। और कांच के पिघलने के बाद कांच के इस लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस घूमती हुई मशीन पर गिराती है, जिसके बाद ये घूमती हुई मशीन इन सभी कांच की बूंदों को एक गोलाकार में कर देती है। और गोलाकार में आने के बाद ये लुढ़क कर ठंडे होकर एक कंचे का रूप ले लेते हैं। और इसी तरह फैक्ट्रियों में कंचों को तैयार किया जाता है। क्या दोस्तों आपने भी बचपन में कल्ली जोट खेला है? तो नीचे हमें कॉमेंट करें। नंबर 3, मैचस्टिक मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। माचिस की तिल्लियों को बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के एक छोटे से टुकड़े को मशीन में डालकर उसकी पतली पतली परत उतार ली जाती है। फिर इन लकड़ियों की सभी परतों को एक साथ रखकर छोटी छोटी माचिस की तिल्लियों के रूप में काट लिया जाता है। इसके बाद माचिस की तिल्लियों के ऊपर लगे इस मसाले के घोल को तैयार किया जाता है और घोल तैयार होने के बाद सांचे में लगी सभी तिल्लियों को इस घोल में डुबाया जाता है। डुबाने के बाद इन सभी तिल्लियों को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और सूखने के बाद इन सभी तिल्लियों को डब्बियों में पैक कर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 4, लेदर बॉल मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की एक शीट तैयार की जाती है। लेदर की शीट तैयार करने के बाद इसमें से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। लेदर के छोटे छोटे टुकड़े काटने के बाद इन्हें अच्छे से सिला जाता है। सिलने के बाद इन सभी टुकड़ों को मशीन में रखकर अच्छे से गोल किया जाता है। फिर इन लेदर के टुकड़ों को पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद इन लेदर के टुकड़ों में से खराब हिस्से काट लिए जाते हैं। और इस तरह लेदर के दोनों टुकड़े तैयार किए जाते हैं। लेदर के दोनों टुकड़े तैयार होने के बाद इन पर अच्छे से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर उसमें गम डालकर पत्थर की एक बॉल डाली जाती है। बॉल डालने के बाद इस फ्रेम को अच्छे से बंद कर दिया जाता है और इस तरह लेदर की बॉल एकदम तैयार हो जाती है। लेदर की बॉल तैयार होने के बाद इसे एक मशीन के नीचे रख के अच्छे से कंप्रेस किया जाता है और इस तरीके से बॉल एकदम गोल हो जाती है। बॉल गोल हो जाने के बाद इस पर कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट कर दिया जाता है और अब यह बॉल क्रिकेट खेलने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एक लाइक और नीचे एक कॉमेंट कर दें और कॉमेंट में अपना नाम भी लिख दें ताकि आपका नाम हम अगली वीडियो में ले सकें। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।